बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आप लोग भी अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। वो ये है कि आप लोग अपना ऑनलाइन जो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनवाने के लिए आप लोग को एक तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। आप लोग अपना घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे वो बताऊँगा, फ़ीस कितनी है वो बताऊँगा। इसके अलावा आप लोग को जो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है वो कब मिलेगा, सब कुछ आपको ए टू जेड लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो व्यूवर्स, वीडियो को लाजमी आप लोगों ने पूरा देखना, और इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहले पहुँच जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट DLIMS ओपन की हुई है। यहाँ से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप लोग लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं ऑनलाइन, उसकी वीडियो पहले बढ़ चुकी है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को एड स्क्रीन में भी आ जाएगी, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे और मेन चीज़ आपको बताऊँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना, और यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर ऑनलाइन प्रोसेस, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको, मतलब कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। तो यहाँ पर नंबर वन आपको पिक्चर चाहिए होगी अपनी, पिक्चर फेस की, ठीक है, पिक्चर चाहिए होगी, और उसके बाद आप लोग को शिनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर चाहिए होगी, और उसके बाद आपको चाहिए होगी शिनाख्ती कार्ड की बैक साइड की पिक्चर चाहिए होगी। उसके बाद आप लोगों को अपना ईमेल चाहिए होगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, ईमेल चाहिए होगा, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। और मेडिकल सर्टिफिकेट उन लोग के लिए चाहिए होगा जो लोग उम्र की जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा प्रोसेस है, सबसे पहले आप लोगों ने साइनअप करना होगा DLIMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, वो मैंने आपको वीडियो बना दी है, आप लोगों ने जाकर देख लेने चैनल पर, वहाँ पर आपने फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और अपनी फ़ीस वगैरह पे करनी है, तो ऐसी तरह से आप कर लेंगे। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस की, वो कह रहा है कि फ़ीस क्या है, तो फ़ीस है इसकी 31 दिसंबर 2023 तक 60 रुपये है, उसके बाद 1 जनवरी 2024 के बाद 1000 रुपये हो जाएगी ईच कैटेगरीज की बाइक कार, ठीक है। और उसके बाद आपको लाइसेंस कब मिलेगा, ये फौरी तौर पर आपको फिल करने के बाद, फ़ीस पे करने के बाद फौरी तौर पर आपको मिल जाता है PDF में, उसके बाद आप निकलवा कर उसको कर भी सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये भी वर्ज ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको बता दिया अपना ड्राइविंग लाइसेंस की जो फ़ीस क्या है, और इसके लिए कौन कौन से ड्राइविंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। तो वीवर्स, ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।